दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। पर आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 31 है। इससे पहले 30 क्लास हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्लास मेंटेन कर चुके होंगे। कल वाली क्लास में हम लोगों ने ई वी हैबले को पढ़ा था, आप जानते हैं, जिसकी रचना है द बंगाल पट, अजंता फ्रेस्को, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। साथ में आनंद कोटेश कुमार स्वामी को पढ़ा था, राजपूत पेंटिंग, अच्छी रचना इनकी है। राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन, बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। साथ में हमने कला महाविद्यालय को भी पढ़ा था। कला महाविद्यालय में जैसे लखनऊ आर्ट कॉलेज की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। 1911 में पहले प्रधानाचार्य कौन बनाए जाते थे? नेड हार्ड महोदय। लेकिन 1925 में कौन बनाए गए? 1925 में मूल रूप से कौन? असित कुमार हल्दर बनाए जाते हैं। ऐसे हम लोगों ने कला महाविद्यालय इंदौर को भी पढ़ा था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आप जानते हैं दत्तू भैया मूल रूप से दामोदर देवलालिकर पहले कला गुरु माने जाते हैं। कहाँ के? इंदौर कला महाविद्यालय वाले के। तो इन सबको हमने कल पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल शैली पढ़ेंगे। बंगाल शैली आप जानते हैं एक ही व्यक्ति एस्टेब्लिश करता है, उसको भी पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर। आइए स्टार्ट करते हैं। बंगाल शैली की अगर बात करें तो ठाकुर शैली, टैगोर शैली, पुनरुत्थान शैली के नाम से कौन सी शैली जानी जाती है? उसे बंगाल शैली कहा जाता है। बंगाल शैली के संस्थापक कौन होते हैं बेटा? तो बंगाल शैली के संस्थापक अवनींद्रनाथ ठाकुर जी होते हैं। बंगाल शैली की मुख्य प्रविधा क्या होती है? तो वास पद्धति मूल रूप से इनकी अच्छी प्रविधा मानी जाती है। वास पद्धति में चित्र को कितनी बार धोना पड़ता है बेटा? तो जितनी बार उसकी आवश्यकता होगी उतनी बार धोना पड़ेगा, आवश्यकता अनुसार धोना पड़ता है। अगला पॉइंट कहता है मुगल शैली। मुगल शैली, राजस्थानी शैली, अजंता शैली किस शैली की प्रेरणा स्रोत बनी? वह कौन सी शैली है जिसमें इतनी प्रेरणा स्रोत शैलियाँ बनती हैं? तो मुगल शैली, राजस्थानी शैली और अजंता शैली किस शैली की प्रेरणा स्रोत बनती थी? मूल रूप से अजंता शैली की प्रेरणा स्रोत बनती है। मुगल सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है बेटा? तो मुगल सिद्ध कलाकार मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है, जिन्हें प्यार से लोग अवनी बाबू के नाम से पुकारते हैं। अवनी बाबू, याद रखना। अगला पॉइंट कह रहा है अरेबियन नाइट्स, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। अरेबियन नाइट्स, उमर खय्यम पे चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो अरेबियन नाइट्स और उमर खय्यम मूल रूप से अच्छी रचना मानी जाती है अवनींद्रनाथ ठाकुर की। अवनींद्रनाथ ठाकुर की, याद रखना। दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे वो उमर खय्यम हो चाहे वो अरेबियन नाइट्स हो, दोनों पूछा गया है। अवनींद्रनाथ ठाकुर की अच्छी रचना मानी जाती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स स्थापित कब होता है? 1907 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, 1907 में। आगे कहा जाता है गगनेंद्रनाथ और ई वी हैबले किस सोसाइटी की स्थापना करते हैं बेटा? तो गगनेंद्रनाथ ठाकुर साथ में ई वी हैबले मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एस्टेब्लिश करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन छपा है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने एस्टेब्लिश किया? ई बी हैबले का अगर नाम नहीं होता है तो वहाँ पे गगनेंद्रनाथ ठाकुर का नाम अवश्य होता है, याद रखना। क्वेश्चन छप चुका है इसलिए बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो स्थापित हुआ उसके अध्यक्ष लॉर्ड किचनर बनाए जाते हैं, लॉर्ड किचनर। और इसमें कितने सदस्य होते थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में? तो 30 सदस्य होते थे। कितने अंग्रेज सदस्य थे बेटा? 30 सदस्य शामिल किए गए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 5 सदस्य यहाँ थे। तो 30 अंग्रेज वाले, 5 भारतीय, कुल मिलाकर के 35 सदस्य इंडियन ओरिएंटल आर्ट में मूल रूप से सदस्यों की संख्या रही है। आगे कहा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने 1919 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो रूपम नामक पत्रिका मूल रूप से इंडियन ओरिएंटल आर्ट के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। ये पुस्तिका छप चुकी है कि रूपम नामक पत्रिका कहाँ से छपती थी, कहाँ से छपती थी? तो सीधा सीधा बताया जाता है कि कहाँ से छपती थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से छपती थी। आगे बात करें तो रूपम नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो ओशी गांगुली के द्वारा इनको संपादित किया जाता है। स्मरणीय तत्व में अगर हम लोग बात करें तो अवनी बाबू के अच्छे अच्छे चेलों को याद रखना होगा बेटा, जहां से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि बंगाल शैली का कलाकार कौन है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का शिष्य कौन है। जैसे पहला महत्वपूर्ण नाम आता है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का, दृश्य कला विभाग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के,
याद रखना है किसके शिष्य हैं, तो अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य माने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है नंदलाल बसु का, बेटा नंदलाल बसु भी किसके शिष्य हैं, अवनीनाथ ठाकुर जी के शिष्य हैं, और शांति निकेतन कोलकाता में मूल रूप से ये पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है डीपी राय चौधरी का, देवी प्रसाद राय चौधरी बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, किसके चेले हैं, अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य हैं, मूल रूप से कहाँ पे, तो ललित कला एकेडमी नहीं, सीधे आर्ट कॉलेज चेन्नई में मूल रूप से एज अ प्रिंसिपल के रूप में डीपी राय चौधरी ने अपनी सेवाएँ दी। के वेंकटप्पा की बात करते हैं, के वेंकटप्पा मैसूर कर्नाटका वाले कॉलेज में एज अ टीचर के रूप में कार्य कर चुके हैं। के वेंकटप्पा किसके शिष्य रहे हैं, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में शामिल रहे हैं के वेंकटप्पा। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है पुलिन बिहारी दत्त का, पुलिन बिहारी दत्त किसके शिष्य हैं बेटा, तो पुलिन बिहारी दत्त का संबंध भी अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में शामिल है, मुंबई आर्ट कॉलेज के मूल रूप से ये भी एज अ टीचर के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है शैलेंद्रनाथ डे का, क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, शैलेंद्रनाथ डे किसके शिष्य हैं, अवनी बाबू के शिष्य हैं, किस कॉलेज में एज अ कला विभाग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जयपुर कॉलेज में ऐसा कारनामा ये कर चुके हैं। मुकुल चंद डे, मनीषी डे, शारदा चरण वकील ये कहाँ पे कार्य किए हैं, दिल्ली में काम किए हैं। शारदा चरण वकील, मनीषी डे या फिर मुकुल चंद डे मूल रूप से किसके चेले हैं, तो सब के सब अवनींद्रनाथ ठाकुर के चेले माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है समरेंद्रनाथ गुप्ता का, समरेंद्रनाथ गुप्ता, समरेंद्रनाथ गुप्ता लाहौर, लाहौर आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। समरेंद्रनाथ गुप्ता भी अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में शामिल है। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है सुधीर रंजन खास्तगीर का, सुधीर रंजन खास्तगीर बेटा लखनऊ आर्ट कॉलेज में आर्ट विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, किसके चेले हैं, तो सुधीर रंजन खास्तगीर भी अवनी बाबू के चेले हैं, वही अवनी बाबू जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 को 1871 में मूल रूप से कहाँ पर होता है, जोरासांको बंगाल में होता है, गुणेंद्रनाथ के पुत्र हैं, ये भी याद रखना होगा। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है असित कुमार हल्दर का, बेटा चेला किसके हैं, असित कुमार हल्दर भी प्रिय शिष्य हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर के, कहाँ कहाँ पे काम किया, शांति निकेतन में काम किया, जयपुर आर्ट कॉलेज में काम किया, और लखनऊ आर्ट कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के रूप में काम किए हैं। असित कुमार हल्दर किसके चेले हैं, तो ये भी याद रखना होगा कि अवनी बाबू के चेले हैं, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर के चेले माने जाते हैं। अब हम लोग अवनींद्रनाथ ठाकुर को ही देख लेते हैं, जिनकी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, महात्मा गांधी है, बुद्ध जन्म है, औरंगजेब का बुढ़ापा है, मृगमाया है, ये सब रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, किसकी, अवनींद्रनाथ ठाकुर की। आइए देख लेते हैं अवनी बाबू को ही, अवनी बाबू की बात करते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ, 7 अगस्त 1871 का दिन होता है, जोंडासांको बंगाल में इनका जन्म होता है। अवनींद्रनाथ के पिता का क्या नाम रहा है बेटा, तो गुणेंद्रनाथ इनके पिताजी का नाम रहा है। अवनींद्रनाथ के बड़े भाई का क्या नाम रहा है, गगनेंद्रनाथ टैगोर इनके बड़े भाई का नाम रहा है। बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया है बेटा, तो बंगाल शैली को मूल रूप से इस्टेब्लिश करने का काम अवनींद्रनाथ ठाकुर का रहा है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है भारतीय आधुनिक कला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, भारतीय आधुनिक कला का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, भारतीय आधुनिक कला का इतिहास बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है गिलहार्डी से पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का प्रभाव दर्शाने की शिक्षा किसने लिया था, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ऐसा कारनामा किया था, इनके साथ ऐसी शिक्षाएं ग्रहण की है। अगला पॉइंट, श्री परमार ने रेखा चित्र बनाने की शिक्षा किसने ली है, अवनींद्रनाथ ठाकुर से ली है। अवनींद्रनाथ ठाकुर यूरोपीय शैली में चित्रण कब करते हैं, तो 1895 ईस्वी में मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने यूरोपीय शैली में भी चित्रण किया है, कब, 1895 में ऐसा कारनामा अवनींद्रनाथ बाबू ने किया है। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है चांडीदास और विद्यापति पे आधारित चित्रण किसने किया है, तो चांडीदास हो या फिर विद्यापति हो, इन दोनों पे मूल रूप से चित्रण का काम अवनींद्रनाथ ठाकुर यानी अवनी बाबू ने किया है बेटा, ये भी याद रखना होगा। वही अवनी बाबू जिन्होंने बंगाल शैली इस्टेब्लिश की, ठाकुर शैली इस्टेब्लिश की, जोंडासांको बंगाल में जन्म होता है, 7 अगस्त 1871 का दिन होता है। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है कि बंगाल में भारतीय शैलियों में बना प्रथम चित्र कौन सा रहा है, तो बंगाल में भारतीय शैली में बना पहला चित्र जो है शुक्लाभिषारे रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन छपा है, आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा, शुक्लाभिषारे। आगे गिलहार्डी, चाल्म पावर, ईवी हैवले, ओमकाकुरा किसके गुरु थे,
तो बेटा गिल हार्डी हूँ, चार्ल्स पामर हूँ, ईवी हैबले हूँ, उनका कुरा हूँ, ये सब के सब कला गुरु मने हैं मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर की। अवनींद्रनाथ ठाकुर से मूल रूप से जिस जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने जिससे कुछ भी सीखा है उन्हें अपना कला गुरु माना है, चाहे वो ईवी हैबले हों, चाहे वो चार्ल्स पामर हों, चाहे गिल हार्डी हों, चाहे उनका कुरा हों, सभी को ये अपना कला गुरु मानते हैं, याद रखना होगा। आगे कहा जाता है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने तैल चित्रण किससे सीखा। बड़ा तैलीय चित्रण मूल रूप से आयल पेंटिंग गिल हार्डी से सीखा है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने वास पद्धति किससे सीखा है, ताइकान और हंदीसा से सीखा है मूल रूप से वास पद्धति। आगे बात करें तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ ठाकुर प्रिंसिपल कब बनते हैं, तो प्रिंसिपल 1905 से 1915 तक कलकत्ता आर्ट कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल के रूप में काम किए। आगे बात करें तो कहा जाता है अवनींद्रनाथ ने भारत माता का चित्र किस तकनीकी में बनाया है। यही भारत माता चित्र इतने लोगों को कंफ्यूज करती है बेटा। जब ये प्रीवियस में पूछा जाता था तब इसका राइट आंसर अवनींद्र बाबू ही बनते थे। बाद में बहुत सारे लोग भारत माता का चित्रण बनाए और उसमें जो है अब क्वेश्चंस के आंसर्स बदलने शुरू हो गए हैं। भारत माता का चित्रण वास पद्धति में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ही बनाया था। आगे बात करते हैं अवनींद्रनाथ ने संध्या दीप चित्र को किस पद्धति में बनाया है। अवनींद्रनाथ ने संध्या दीप का चित्र मूल रूप से वास पद्धति में ही बनाया है, जिसमें मूल रूप से भारत माता को इन्होंने सुसज्जित किया है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ ने 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन सा चित्र बनाया, तो भारत माता का चित्र बंगाल विभाजन के समय ये बना रहे थे। भारत माता का बंग माता नाम किसने दिया था, तो सिस्टर निवेदिता मूल रूप से आती हैं और सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि भारत माता का चित्र बंग माता के नाम से भी जाना जाए, बंग माता, ठीक है, बंग माता भारत माता का चित्रण मूल रूप से सिस्टर निवेदिता ने दिया था। आगे बात करते हैं, कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना कब करते हैं, 1915 में विचित्रा क्लब भी स्थापित हो जाता है। कहा जाता है किसने द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी किसने लिखी है, तो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी मूल रूप से किसके द्वारा लिखी जाती है, तो ये डाटा मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा यानी अवनी बाबू के द्वारा लिखा जाता है। ये भी याद रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है अल्पना नामक पुस्तक भारतीय शिल्प के षडांग मूल रूप से किसने लिखे, तो अल्पना हो या फिर भारतीय शिल्प के षडांग हो, दोनों की रचना अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कितनी पुस्तकों पर रचनाएं की हैं, कितनी पुस्तकों को लिखा है बेटा, तो 29 पुस्तकों को लिखने का काम अवनींद्रनाथ ठाकुर का रहा है। अवनींद्रनाथ ठाकुर जी की आत्मा का क्या नाम है, अवनींद्रनाथ ठाकुर जी की आत्मा कथा का क्या नाम है, आत्मा कथा यानी आत्मकथा बायोग्राफी होती है बेटा, और बायोग्राफी का नाम क्या है, तो जड़ा साकरे धारे मूल रूप से किसकी आत्मकथा है, तो अवनी बाबू की आत्मकथा मानी जाती है। जोड़ा साकरे धारे अच्छी आत्मकथा मानी जाती है अवनी बाबू की, याद रखना है। आगे बात करते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर को शांति निकेतन के कला भवन का अध्यक्ष कब बनाया जाता है, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन के कला भवन का जो अध्यक्ष बनते हैं ये 1920 के आसपास बनते हैं, 1920 में मूल रूप से कला भवन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब होती है, तो शांति निकेतन में विश्व भारती की जो स्थापना है 1921 में होती है, यानी 1921 के आसपास होती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, अवनींद्रनाथ ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने चित्र बनाए हैं, तो चित्रांगदा के लिए अवनी बाबू ने 32 यानी 32 चित्रों का समावेश किया है, 32 चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ ने मुखोटायम कार्टून के माध्यम से क्या दर्शाया, तो मुखोटायम कार्टून के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दर्शाने का काम अवनी बाबू ने किया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अवनींद्रनाथ का चित्र शाहजहां का अंतिम दिन नामक चित्र की प्रशंसा किसने की, तो शाहजहां का अंतिम दिन राजा रवि वर्मा ने मूल रूप से इसे प्रशंसा दी है। राजा रवि वर्मा ने कहा है कि बहुत अच्छा चित्रण है, शाहजहां का अंतिम दिनों को बहुत अच्छे से उकेरा गया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अवनींद्रनाथ का प्रिय शिष्य कौन था, बड़ा रानी चंदा मूल रूप से अवनी बाबू की सबसे प्रिय शिष्य, रानी चंदा, याद रखना होगा, रानी चंदा अवनी बाबू की सबसे प्रिय चित्र रही। अच्छा, आत्मकथा का क्या नाम है, जोड़ा साकरो धारे किसकी आत्मकथा है, अवनी बाबू की आत्मकथा है, जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 को जोंडा साको बंगाल में होता है। किसके घर में होता है, गुणेंद्रनाथ इनके पिताजी हैं उन्हीं के घर में होता है। आगे कहते हैं कि अवनी बाबू यानी
नवनींद्रनाथ ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में किसका भित्ति चित्रण बनाया था? तो कच्छ देवयानी का भित्ति चित्रण कहाँ पे बनाया? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स की दीवारों पे बनाया कच्छ देवयानी का भित्ति चित्रण। आगे कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ ने चित्रण के लिए किस कागज का प्रयोग किया था? तो अवनींद्रनाथ ने चित्रण के लिए मूल रूप से कार्टिज कागज का ज़्यादातर प्रयोग किया है, कार्टिज कागज पर ज़्यादातर रचनाएँ किए हैं। बेटा नाम आपको याद रखना होगा, बंगाल शैली हो, इनके चेले हो, इनकी रचनाएं हो, सब कुछ याद होगा तभी जाके काम बन पाएगा। 3 से 4 प्रश्न बंगाल शैली से सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कभी कभी तो आवनी बाबू ही 3-4 प्रश्न लेकर के आ जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा कि मुकुल चंडे, मिनीषी डे, शारदा चरण उकील, पुलित बिहारी वर्मा, के वेंगटप्पा, नंदलाल बसु, बहुत सारे चित्रकार जो हैं इनके मूल रूप से शिष्य हैं। तो उनके शिष्यत्व को किस किस ने स्वीकारा है उनको याद रखना होगा, रचनाओं को याद रखना होगा, अवनी बाबू को याद रखना होगा, अवनी बाबू की रचनाओं को याद रखना होगा, आपका काम बन जाएगा। एक प्रश्न 4 नंबर का होता है बेटा, अगर 4 प्रश्न यहां से आ जाए तो 16 नंबर हो गए। एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुकता है, ये तो 16 नंबर की बात है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ के चित्रों की शैली क्या थी? अवनींद्रनाथ के चित्रों की शैली बेटा साम्यवादी शैली रही है। साम्यवादी शैली में मूल रूप से इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। अवनींद्रनाथ ने उमर खय्यम का चित्र श्रृंखला कब बनाया? तो उमर खय्यम का जो चित्र श्रृंखला है ये 1905 से 1907 के बीच उमर खय्यम बनाया जाता है, जबकि भारत माता तो 1905 के आसपास भारत माता का चित्रण रवींद्रनाथ नहीं अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया है। आगे बात करें तो अवनींद्रनाथ के महाप्राणाय, महाप्रयाण यानी लास्ट जर्नी चित्रण कब बनाया जाता है? महाप्रयाण चित्रण यानी लास्ट जर्नी चित्रण कब बनाया जाता है? 1941 में इन्होंने महाप्रयाण बनाया है, याद रखना है। आगे, मुगल सिद्धहस्त कलाकार किसे माना जाता है? मुगल सिद्धहस्त कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर को ही माना जाता है, अवनी बाबू को ही माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अवनींद्रनाथ ने बच्चों के लिए बंगाली भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी? तो अवनींद्रनाथ ने बच्चों के लिए बंगाली भाषा में राज कहानियाँ, शकुंतला और भूतपरी देश को लिखा है। कौन सी पुस्तकें? भूतपरी, शकुंतला, राज कहानियाँ, ये सब चित्रण बंगाली भाषा में बंगाली बच्चों के लिए लिखा था। किसने लिखा था? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने लिखा या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अवनींद्रनाथ ठाकुर से जुड़ा हुआ स्मरणीय तथ्य आपको याद रखना होगा, जैसे इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चित्र श्रृंखलाएं हैं, जैसे उमर खय्यम है, कृष्ण चरित्र है, अबेरियन नाइट्स है, लैला मजनू है, बुद्ध चरित्र है, तो ये सब तो चित्र श्रृंखलाएं हैं। इनकी चित्र रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख चित्र कौन से हैं, पहले इसे देखना होगा। आइए देखते हैं बेटा, रामायण इनकी बहुत अच्छी रचना है, शाहजहाँ के अंतिम दिन, महात्मा गांधी, महाभारत, बुद्ध जन्म, किसकी रचना है? सबके सब रचनाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, याद रखना होगा। औरंगजेब का बुढ़ापा बहुत बार पूछा गया है, माया मृग हो गया, कमल पे आश्रु बिंदु हो गया, रवींद्रनाथ का महाप्रयाण हो गया, मूल रूप से किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की रचना है। अभिसारिका हो गया, भिक्षा हो गया, ये सारी की सारी रचनाएँ किसकी हैं? सभी के सभी प्रमुख चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाए हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर का और चित्रण कौन सा है? जैसे नूरजहाँ हो गया, गणेश जननी हो गया, सूर्य पूजा हो गया, ताजमहल को देखता शाहजहाँ, ताजमहल को देखता शाहजहाँ किसकी रचना है? ये भी मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर की अच्छी रचनाओं में से एक है, अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बात करें तो स्मरणीय बिंदु में आता है चित्र श्रृंखलाएँ इनकी कौन कौन सी हैं, चित्र श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं। पहला पॉइंट आता है मुगल चित्र श्रृंखला, दूसरा है उमर खय्यम, तीसरा है कृष्ण चरित्र, चौथा है बुद्ध चरित्र, पांचवा है लैला मजनू और छठवां कौन सा है? अरेबियन नाइट्स। तो कुल मिलाकर के इतनी चित्र श्रृंखलाएं आपको याद रखनी होगी, बुद्ध चरित्र, लैला मजनू, मुगल चित्र श्रृंखला, उमर खय्यम, कृष्ण चरित्र और अरेबियन नाइट्स। अगर इतना डाटा बेटा आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से 3 से 4 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इतने में आपको 3-4 प्रश्न मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना है, दोहराते रहना है। दोहराना बहुत बड़ी कला होती है बेटा। कुछ लोग कहते हैं पढ़ते हैं याद नहीं होता, इसीलिए याद नहीं होता कि वो दोहरा नहीं पाते हैं। हर 5वें 6वें दिन उन्हें दोहराना चाहिए। डाटा के लिए वो पर डे फ़ोन करेंगे, सर ये वाला डाटा नहीं पढ़ा, ये वाला डाटा नहीं पढ़ा, लेकिन वो दोहराते नहीं हैं। मैं यही देखता हूँ, सबसे बड़ी कमी यही होती है, इसीलिए वो लोग टेस्ट पेपर में या फिर 10 के डोज में उनका जो है आंसर्स अच्छा नहीं आ पाता। उम्मीद करता हूँ यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं भी 10 के डोज में रोज रात 10 बजे, मिलते हैं ना फोन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।